हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पराठे। इसके लिए सबसे पहले हम आधा किलो पालक लेंगे और उसे हम 2 से 3 पानी से धो लेंगे, जिससे उसकी गंदगी साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और कट करके इसे रख लेंगे। अब जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, हम इसे उबलने के लिए चढ़ा देंगे। और इसे हम कब तक उबलने देंगे? जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो इसे अब हम उबालने देते हैं और इंतज़ार करते हैं जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक उबाल आ गया है इसमें। अब हम इसे ऑफ़ कर लेंगे और फ्लेम से उतार लेंगे। अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, 5 मिनट 10 मिनट। फिर उसके बाद हम इसका पीस के इसे प्यूरी बना लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से स्टेन कर लिया है, इसका पूरा पानी हमने निकाल दिया है। अब हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो चलिए इसे शिफ्ट कर लेते हैं मिक्सर जार में हमारे। ये देख सकते हैं आप, हमारी प्यूरी तैयार हो गई है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमारी प्यूरी हो गई है बिल्कुल बन के रेडी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ एक बोल आटा ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। इसमें हम कुछ सेसमी सीड्स, जिसको तिल भी कहते हैं, वो ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। इसमें अब 1 टीस्पून नमक हमने मिला लेना है। अब हम इसमें पालक की प्यूरी जो हमने बनाई थी वो ऐड कर लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हम और पानी ऐड करके इसे अच्छे से नीड कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको थोड़ा सा और आप अच्छे से गूंथ लें। देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब फ्रेंड्स हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम रेगुलर करते हैं, पराठा बनाते हैं, आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दें, चाहे आप सर्कल बना सकते हैं, चाहे आप ट्रायंगल बना सकते हैं। और इसे सेकने के लिए आप ऑयल या घी, दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये इसे हम यहाँ पकने देंगे, तब तक आप चाहें तो एक और बना सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगल शेप करने के लिए आपको बीच में ऑयल स्प्रेड करना होगा। फिर उसे एक बार फोल्ड करें, फिर एक और फोल्ड करें और अब इससे बेलें। तो ये आपको एक डिफरेंट शेप मिलेगा ट्रायंगल शेप में।
हर तरफ से आप इसको बेल लें। और ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल शेप में पराठा बन के रेडी है इधर। अब इस पराठे को हमने फ्लिप कर लिया है। यहाँ फ्रेंड्स घी लगाया है हमने, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बन के हमारा तैयार है पालक का पराठा। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।